सितंबर माह के अंत में एक अनोखी खगोलीय घटना होने के संकेत मिले हैं। एस्ट्रोनॉमी में दिलचस्पी रखने वाले लोगों के लिए कुछ अजब गजब और खास होने जा रहा है। इस महीने के अंत में पृथ्वी के ऊपर एक नहीं बल्कि दो चांद देखे जा सकेंगे, यानी चांद के साथ एक मिनी मून भी दिखाई देगा। जी हाँ, इस महीने के अंत से धरती से एक नहीं बल्कि दो चांद देखे जा सकेंगे। चांद के साथ एक मिनी मून भी अंतरिक्ष में होगा। ये चांद असल में एक एस्टेरॉयड है जो छोटे चंद्रमा की तरह दिखने और पृथ्वी का चक्कर लगाने की वजह से मिनी मून कहलाता है। ये विदेशी मेहमान अगले 56 दिन के लिए पृथ्वी की कक्षा में रहेगा। भोपाल के रीजनल साइंस सेंटर में भी इसको लेकर खास तैयारी चल रही है। मिनी मून एस्टेरॉयड करीब 10 मीटर यानी कि एक बस के साइज का है, जिसे टेरेस्ट्रियल इंपैक्ट ब्लास्ट अलर्ट सिस्टम के जरिए खोजा गया था। PT5 29 सितंबर से अगले 56 दिन के लिए पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में खिंचा रहेगा। इसके बाद यह फिर से सूर्य का चक्कर लगाने लगेगा। रीजनल साइंस सेंटर भोपाल के प्रमुख साकेत सिंह कौरव ने ये बताया कि विदेशी मेहमान साल 2055 में फिर एक बार धरती का चक्कर लगाने आ सकता है। इसके पीछे साकेत कौरव मिनी मून उल्कापिंड के ऑर्बिट लगाने के रास्ते को बड़ी वजह बताते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये एस्टेरॉयड अर्जुन समूह से है जो पृथ्वी के समान कक्षा साझा करता है। ये एक प्राकृतिक वस्तु माना जाता है, इसे अंतरिक्ष मलबा नहीं समझा जाता। ये पहली बार नहीं है जब कोई मिनी मून पृथ्वी की कक्षा में आएगा। 2006 में एक एस्टेरॉयड करीब एक वर्ष तक परिक्रमा करता रहा था। 2024 PT5 की बात करें तो मौजूदा यात्रा के बाद पृथ्वी के आसपास की इसकी अगली अनुमानित वापसी 2055 में होगी। एस्टेरॉयड 2024 PT5 को नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकेगा। ये बहुत ही धुंधला होगा और ये साधारण दूरबीनों से भी नजर नहीं आएगा। इसे सिर्फ 22 मैग्नीट्यूड वाले एडवांस ऑब्जर्वेटरी से ही देखा जा सकेगा। एस्टेरॉयड रिसर्चर्स फेडेरिका स्पोटो ने कहा है कि 2024 PT5 से अंतरिक्ष के उन एस्टेरॉयड के बारे में जानकारी मिलेगी जिनके पृथ्वी से टकराने का खतरा बना रहता है। PT5 फिर भी धरती से बहुत दूर रहेगा, इसलिए आप बिना टेलीस्कोप इस विदेशी मेहमान को नहीं देख पाएंगे और उस समय भी चांद ही रात में सबसे चमकदार दिखेगा।